यार इसके कंपैरिजन में सिर्फ एक ही गाड़ी है अभी आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, दैट इज हाय। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम आपके लिए लेके आए हैं MG ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म, इसे बोला जाता है, या फिर हम लोग इसको सिंपल भाषा में डार्क एडिशन कह सकते हैं, क्योंकि आजकल फैशन आ चुका है भैया डार्क एडिशन। टाटा बहुत सारी गाड़ियाँ बना चुका है और भी कंपनीज लगी पड़ी है, तो वहाँ पर हमारा MG भी कहीं पीछे नहीं रहा है। कुछ चीज़ों में मुझे ये गाड़ी पहले हल्की फुल्की पसंद नहीं आती थी, जैसे पीछे मुझे ग्लॉस्टर वो जो लिखा होता है क्रोम में, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन डार्क एडिशन काफ़ी सारी शिकायतें दूर करती हैं उन लोगों की जिन्हें ऐसी हल्की फुल्की दिक्कतें आती थी इसकी डिज़ाइनिंग को लेकर, इसकी स्टाइलिंग को लेकर। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इस गाड़ी की ड्राइव की, कि गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने इसका एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, एक और वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी, जो मैक्सिमम क्वेरीज हैं कि अगर हम ग्लॉस्टर को ख़रीदें या फिर हम लोग फॉर्च्यूनर को ख़रीदें, लेजेंडर को ख़रीदें, तो कौन सी गाड़ी को ख़रीदें, वो बनाएंगे हम सेपरेट वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी की ड्राइव की, कि ये गाड़ी आपको अगर इस पर्टिकुलर व्हीकल की हम लोग बात करते हैं तो 50 लाख की आपको मिलती है। तो 50 लाख की गाड़ी अपने प्राइस को इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग जस्टिफाई करती है या नहीं, चलिए देखते हैं। चलिए जी, अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और अब करूँगी मैं पूरी इस कार की ड्राइव को एक्सप्लेन, कि जो हमारी MG ग्लॉस्टर डार्क एडिशन है वो आपको चलाने में कितना मज़ा आता है। जो गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको इस साइड में नीचे की तरफ दिया गया है, वो है यहाँ पर। कार में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो अगर शाम के टाइम आप ड्राइव कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ इस टाइम, तो फिर आप इसको पूरा ओपन करके और फिर ड्राइव को एंजॉय कीजिए। और ये आपका सिंगल पुश में नहीं होता, इसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। जिस पोजीशन पे आप इसको रिलीज़ करेंगे आपका जो रूफ का कर्टन है वो वहीं पे रुक जाएगा, एंड सेम इज़ विद द ग्लास, वो भी आपका इसी तरीके से करेगा। ये वाले ग्लास की बात कर रही हूँ। चलिए अब गियर का बताती हूँ आपको मैं। ये पार्किंग बटन है, बहुत क्लियरली आपको यहाँ पर मिल जाता है। ड्राइव में आपके पास मैनुअल ड्राइव का ऑप्शन है, जिसको आप ऑपरेट करेंगे अपने पैडल शिफ्टर्स की हेल्प से, जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी न्यूट्रल है, रिवर्स है। यहाँ पर आपको अनलॉक के लिए बटन दिया गया है, इसकी हेल्प से आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और आप चले गए ड्राइव मोड में। जो आपका गियर लीवर है ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगने वाला है। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको लाइट लगने वाला है, बहुत ज़्यादा स्मूथ लगने वाला है। ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कंट्रोल फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा इजी टू ऑपरेट लगता है। ये स्लीक है ये काफ़ी, तो उसकी वजह से आपका जो ग्रैब है वो बहुत अच्छा बनता है। स्टीयरिंग में ही अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस साइड के कंट्रोल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये नीचे की तरफ जो कंट्रोल हैं ये हमारे क्रूज़ कंट्रोल के लिए हैं। ऊपर की तरफ जो कंट्रोल्स हैं ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, आप यहाँ से चीज़ें सेट कर सकते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स को देख सकते हैं। जैसे अगर मैं एवरेज की बात करूँ, इस टाइम पर 7.3 ये शो कर रहा है। अब ये देखिए गाड़ी आपको वार्निंग दे रही है, मींस यहाँ पर आपके पास इस कार के अंदर अडास है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसे कोलिजन कंट्रोल वार्निंग अभी आपको देखी होगी यहाँ पे, जैसी गाड़ी आपके पास आई है दूसरी वाली कार से डिस्टेंस आपका कम हो जाता है तो यहाँ पे आपको वार्निंग मिलने लग जाती है। इमरजेंसी ब्रेकिंग है इस कार के अंदर, कि अगर सामने वाली गाड़ी से आपने आप स्पीड में चलाए जा रहे हो और बिल्कुल ब्रेक लेने के मूड में नहीं है तो गाड़ी इज़ स्मार्ट इनफ टू टेक द ब्रेक, वो अपने आप गाड़ी ब्रेक ले लेगी, आपको चिंता करने की उस पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वो ब्रेक होती है वो इतनी ज़्यादा, अगर आपने कभी ट्राई किया तो बहुत ख़तरनाक तरीके से लगती है, तो थोड़ा होश में रह के आप उसे कीजिएगा। और मेनली सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं और अच्छी ड्राइव करते हैं तो उसको फीचर को आप ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज़ वो अगर कभी कभी हमें लगता है ना थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होती है तो वो एकदम से इमीडिएट ब्रेक लेगी, कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस देती है। आइडल स्टार्ट स्टॉप है इसके अंदर, जैसे ही मैं थोड़ी सी देर के लिए रुक रही हूँ गाड़ी मेरी बंद हो जाती है, और जैसे ही मैं अपना ब्रेक से पैर रिलीज़ कर रही हूँ या फिर हल्का सा भी एक्सेलरेट कर रही हूँ तो कार मेरी स्टार्ट हो जाती है। इंफोटेनमेंट की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है यहीं पे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये दोनों फंक्शन है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन ये दोनों फंक्शन आपके वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड हैं। बाकी अगर हम इसके टच की बात करते हैं देन टच इज़ रियली स्मूथ। 360 डिग्री पार्किंग कवरेज के साथ ये कार आपको मिलती है। कैमरा क्वालिटी की बात करेंगे तो इट इज़ गुड, नॉट वेरी हाई रेजोल्यूशन कैमरा, मैं बोलूँगी कि बहुत हाई क्वालिटी कैमरा यहाँ पे यूज़ किया गया है, लेकिन स्टिल आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि रोड का स्टेटस क्या है, यहाँ पर कौन सी गाड़ी आपके आजू बाजू से जा रही है, आगे क्या है, पीछे क्या है, आप सब चीज़ें यहाँ से अपना देख सकते हैं। और जो स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, कि जब हम हमेशा मैं बोलती हूँ आपको कि स्टीयरिंग आपको हमेशा कार से वेल कनेक्टेड फील होना चाहिए,
कोई आपको इसमें वो नहीं लगना चाहिए यार, हाँ मेरा कुछ कनेक्शन सा नहीं है, कुछ डिले है या कुछ है, वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल वेल कलेक्टेड आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सारी रीडिंग्स बहुत क्लियरली दिखाई देती है। कुछ रीडिंग्स आपको एनालॉग फॉर्म में दी गई है, कुछ आपको डिजिटल फॉर्म में दी गई है, तो ये सेमी डिजिटल आपका स्क्रीन है। लेकिन स्मार्ट बात इसके अंदर ये है, जो हमारा सेंटर का पार्ट है, जो हमारा MID है इसके अंदर, वो आपको MID तो सिर्फ सेंटर में इतना छोटा सा अगर आप देख पा रहे हैं तो, लेकिन जो उसका डिज़ाइनिंग की गई है, उसका जो प्लेसमेंट है, वो इस तरीके से है कि आपको लग रहा है कि जो बीच में हमारा बिग साइज़ का MID स्क्रीन है। एंड येस, नो डाउट आपको सारी रीडिंग्स यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम मैं रोड पर काफ़ी स्मूथ रोड पर ड्राइव कर रही हूँ, लेकिन येस हल्के हल्के बम्प्स हैं मेरे रोड पर। स्टिल आपको गाड़ी के अंदर ये चीज़ें फील नहीं होती हैं, गाड़ी आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ राइड का एक्सपीरियंस देती है। और अगर मैं ये बोलूं कि यार थोड़ा सा इसको बेटर कर सकते थे कि पीछे भी हमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन अगर मिल जाता, आज आपको बहुत हर गाड़ी में तो नहीं मिलता है, लेकिन यस उसकी वजह से थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे हमारा राइड क्वालिटी हमारी बेटर हो जाती है। बट डिस्पाइट दैट आपको बढ़िया लगेगा यहाँ पर। सस्पेंशन वाइज मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है गाड़ी में। एक तो ना SUVs की खासियत होती है कि आप अच्छी खासी हाइट पे बैठकर और फिर अपना राइड को एंजॉय करते हैं, आपको पूरा बोनट दिखाई दे रहा है एंड तक, पूरा कंट्रोल आपको फील होता है, बहुत लाइट सा, स्मार्ट सा, स्लीक स्टीयरिंग आपके हाथ में है। तो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग तो आप MG ग्लॉस्टर डार्क एडिशन को एंजॉय करने वाले हैं। प्लस जो अगर हम इस कार की लग्जरी की बात करें, जो इस कार का एम्बियंस की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो और इसकी ड्राइव में चार चांद लगा देता है कि आपको होता ना कि यार इसके कंपैरिजन में सिर्फ एक ही गाड़ी है अभी आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, दैट इज़ फॉर्च्यूनर। वहाँ पर भी आपको ऐसी लग्जरी नहीं मिलने वाली जो ग्लॉस्टर उसको क्लियर कट बीट करता है। और देखिए अगर हम मेनली अब इस कार के इंजन की बात करते हैं, इस गाड़ी के अंदर आपका 2 लीटर डीजल इंजन का यूज़ किया गया है और ये बहुत रिस्पॉन्सिव आपको लगेगा। एकदम इनिशियल जैसे बोलते हैं ना कि सपोज़ मैंने पूरा कार को रोक देते हैं अभी, और जैसे ही मैं इसको हल्का सा रेव करती हूँ, एकदम रिस्पॉन्सिव है ये, आपको इमीडिएट पिकअप मिलता है, कोई लैगिंग आप फील नहीं करने वाले। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ऑब्वियसली इस कार के अंदर, ये भी आपको कोई लैग नहीं फील कराएगा कि हाँ यार गाड़ी के अंदर किसी भी टाइप का आपको इस टर्म्स में इंजन वाइज या फिर हम बोले इसके गियर बॉक्स वाइज कोई लैगिंग फील नहीं होगी। और जो एक हमारी शिकायत होती है फॉर्च्यूनर वगैरह में कि एकदम आप ओवर रेव करते हैं गाड़ी को, एकदम से हम लोग मैं एक्सलरेट करती हूँ, तो आपको RPM जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा और इंजन उतना ही आपका नॉइज़ करता जाता है, तो वो दिक्कत आपको हल्की सी यहाँ पर भी फील होने वाली है, लेकिन उससे ऑब्वियसली कम होने वाली है। NVH लेवल यहाँ पर उतने नहीं आपको फील होंगे जितने फॉर्च्यूनर में होते हैं, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल रेव करेंगे तो आपको उस टाइम पर कोई इंजन साउंड, कोई इस तरीके की डिस्टर्बेंस फील नहीं होने वाली। गाड़ी की ड्राइव आपको नो डाउट अगर मैं फॉर्च्यूनर से कंपेयर करूं जो बन रहा है बार बार इसका, आपको बेटर लगेगी। और यहां पर मेंशन करेंगे कि इस कार में जो इंजन यूज़ किया गया है वो हमारी फॉर्च्यूनर के इंजन से काफ़ी छोटा है, उसके बावजूद भी यहां पर जो इंजन परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। गाड़ी के अगर दोनों की प्राइस की भी बात करूँ ना कि आप फॉर्च्यूनर को चला के देख लेते हैं एक बार या फिर आप इस कार को ड्राइव करके देख रहे हैं, तो दोनों को जैसे ही आप ड्राइव करके देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एकदम एक क्लैरिटी मिलती है कि फॉर्च्यूनर नो डाउट बहुत रिलायबल कार है, बहुत ट्रस्टेड कार है, मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट कार है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बायस्ड ना हो उसकी तरफ और एक नॉर्मल लेमैन की तरह मैं एकदम एक सोचूं कि हाँ यार मैं पहली बार ही फॉर्च्यूनर चला रही हूँ और मैं पहली बार ही ग्लॉस्टर चला रही हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं इसकी ड्राइव ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ज़्यादा आपको यहाँ पर ज़्यादा स्मूथनेस फील होने वाली है। बाकी हम और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पर हिल डिसेंट है, आपके पास ट्रैक्शन दिया गया है, लेन असिस्ट फीचर है आपके पास, अडैप्टिव आपको क्रूज कंट्रोल बता चुकी हूँ मैं, यहाँ पर आपके पास अलग अलग टेरेन के लिए कंट्रोल दिए गए हैं जिसको आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। सी जैसे इको मोड है आपका, ऑटो मोड में हम लोग चले गए, ऑटो मोड में ज़्यादातर लोग रखते हैं कार को क्योंकि उसके बाद गाड़ी अपने आप ही जज करती है कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बाकी आपके पास रॉक मोड है यहाँ पर, सैंड मोड है, मड मोड है, स्नो मोड है, आप जिस भी मोड को चाहते हैं, स्पोर्ट्स मोड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस तरीके से शो हो जाएगा। ऑटो होल्ड फीचर है जो मुझे बहुत रिक्वायर्ड लगता है, अगर आपने इसको ऑन कर दिया उसके बाद जैसे ही आप कहीं पर भी हल्का सा लॉन्ग प्रेस करेंगे ब्रेक को, गाड़ी आपकी वहीं पर ब्रेक हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आपको यहाँ पर दी गई है,
और अगर हम बात करें ओवरऑल लेआउट की कार की, डैशबोर्ड से लेकर इस सेंटर पैनल तक, तो ये हर चीज़ आपको बहुत स्मार्ट लगेगी। देखिए ये डार्क एडिशन है तो ब्लैक थीम का यूज़ किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत स्मार्ट यहाँ पे प्ले किया गया है टेक्सचर्स के साथ। डिफरेंट हम लोग बात करें, यहाँ पर आपका लेदर का यूज़ किया गया है, ये आपका प्लास्टिक है, यहाँ पर आपको ये फिनिश दिखाई दे रही जो काफ़ी डिफरेंट आपको लगेगी, अदरवाइज़ हम लोग वुडन फिनिश वगैरह ही देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर यहाँ पर यूज़ किया गया है, ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ है, हल्का सा सिल्वर यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इन टोटल गाड़ी आपको बहुत इंगेजिंग सी लगती है, बोरिंग नहीं लगती है ब्लैक होने के बावजूद। अदरवाइज़ क्या होता है ना, ब्लैक 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 होके ओवर ब्लैक हो जाता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा वेरिएशन फील करते जाएंगे जिस भी चीज़ की तरफ आप नज़र डालते हैं। सेम आप डोर पैनल को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग डिज़ाइनिंग दिखाई देगी। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है, उसके नीचे आपको अगेन वो टेक्सचर दिया गया है, फिर आपको लेदर में ये डायमंड कट स्टिचिंग के साथ ये पैटर्न दे दिया गया है, ये भी आपका सॉफ्ट टच है। नीचे के साइड में ये वाला पार्ट भी हमारा सॉफ्ट टच है, और उसके नीचे वाला आपका पूरा प्लास्टिक पार्ट है जो कि आपको बहुत अच्छा सा अपील दे रहा है। इनफैक्ट आप यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके स्पीकर्स हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग है गाड़ी की वो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। ऊपर की तरफ जैसे आप मूव करेंगे तो यहाँ पर फुल ऑन बेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैबिन है हमारा वो आपको स्पेशियस लगता है, थोड़ा एयरी लगता है। वो डार्क अगर कर देते इस थीम को तो फिर आपको वो पूरा बंद बंद कंजेस्टेड सा फील होता, इसकी वजह से आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि हाँ यार बहुत स्पेस है मेरी गाड़ी के अंदर, जो ग्लॉस्टर की खासियत भी है। एक दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस कार में फील होती है, जैसे आपने जो अपनी मेमोरी सीट्स वगैरह को सेट किया, जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जो आपने एडजस्टमेंट कर रखी है गाड़ी अपने आप उस एडजस्टमेंट पे आ जाएगी, आपकी सीट स्टेयरिंग उस पोजिशन पर आ जाता है। जैसे डोर को आप ओपन करते हैं उसी मिनट जो आपका सीट है वो आपके पीछे हो जाएगी, आपके लिए स्पेस क्रिएट करेगी ताकि आप बहुत कंफर्टेबली गाड़ी से उतर जाएं, और आपको बोला जाता है गुड बाय, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है कि हमारी कार हमें कह रही है बाय भैया अपने घर चले जाइए। और फॉलो मी लाइट यहाँ पर दी गई है, फॉलो मी होम जिसे कहते हैं हम लोग, और उसका ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका घर ज़्यादा पास है तो कम सेकंड्स के लिए कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा दूर है तो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए कर लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें जो काफ़ी अट्रैक्शन देती है, आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी फील होती है अपने व्हीकल के साथ, और जो MG ग्लॉस्टर को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी बनाती है। बाकी गाड़ी आई थिंक मैंने आपको हर चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हुई है तो पूछिए मुझसे कमेंट्स में, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आप इस गाड़ी को खरीदें या नहीं खरीदें, तो देखिए मैंने आपको बहुत चीज़ें समझा दी हैं यहाँ पर। इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपटीशन जिससे होता है, अगर हम लोग मेन कॉम्पिटिटर की बात करें, वैसे तो और भी गाड़ियाँ हैं लेकिन उनका प्राइस काफ़ी कम हो जाता है इस प्राइस बैंड पे अगर हम लोग जाते हैं, तो इससे फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो लेजेंडर आती है। प्राइस की अगर आप लोग बात करते हैं तो ग्लॉस्टर आपकी 38 लाख से शुरू हो जाती है, ऑन रोड बात कर रही हूँ मैं गुड़गांव रजिस्ट्रेशन के साथ, 38 लाख से 50 तक। ये जो पर्टिकुलर आपका ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है ये आपको 50 लाख का पड़ेगा, तो अगेन बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन खड़ा हो गया यहाँ पर हमारा फॉर्च्यूनर के साथ। और ये गाड़ी उससे ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है वो हम लोग बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो बना के, क्योंकि बहुत क्वेरीज है भैया आप लोगों की कि कौन सी खरीदें। अगर आप 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो हर किसी का बिल्कुल दिमाग में अलर्ट लाइट जली होती है कि हमें कौन से प्रोडक्ट पे अपना पैसा लगाना चाहिए, तो वो सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें ज़्यादा है या क्या चीज़ें इसमें ज़्यादा है, वो आपको मैं अलग से बताऊँगी। बाकी सेफ्टी वगैरह हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 5-star रेटेड व्हीकल है ये इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आपके पास है, ABS, EBD, ESP, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोडेड है। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं MG ग्लॉस्टर डार्क एडिशन में। गाड़ी आपको पसंद आने वाली है, गाड़ी से आपको प्यार होने वाला है, काफ़ी स्मार्ट कार बनाई गई है, और जब आप इसको चलाएंगे तो वो आपने सुना है ना ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर है कि जितनी सुंदर गाड़ी आपको बाहर से लग रही है ना उतनी ही ज़्यादा स्मार्ट आपको इसकी, या उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपको इसकी ड्राइव लगने वाली है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहिए।